स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि लॉयल्टी प्रोग्राम के, के थ्रू आप रिटेनिंग कस्टमर्स को रिपीटिंग कस्टमर कैसे बना सकते हैं यानी आप कस्टमर को दोबारा इंसेंटिवाइज करके उसको अपनी ही वेबसाइट पे दोबारा लेके आए दैट्स वन थिंग सी आर एम क्या चीज़ है ये बड़ी आसान सी चीज़ है लेकिन बड़ी हेल्पफुल चीज़ है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट लॉयल्टी प्रोग्राम के थ्रू भी हम कस्टमर के साथ अपना रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे सी आर एम का तो काम ही यही है कि उसने जो कस्टमर्स आपके आपकी कंपनी से आपके शॉपिंग कार्ट से एक बार शॉपिंग करके चले गए हैं ये उन कस्टमर के साथ रिलेशनशिप सम हाउ मेंटेन करने का एक जरिया है फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई चीज़ परचेज की है किसी एक्स वाई जी शॉपिंग कार्ट से और मुझे उस चीज़ के बारे में कोई फीडबैक देना अब फीडबैक जो है वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई मोबाइल फ़ोन खरीदा और जैसे ही मैं वो मोबाइल फ़ोन मुझे डिलीवर हुआ तो वो दो तीन दिनों के बाद उसके किसी कम्पोनेट ने काम कर सही काम नहीं किया नाउ आई शुड हैव अ वे टू रीच आउट टू द कंपनी टू गिव माय कंप्लेंट गिव माय फीडबैक और मैं कुछ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ क्लाइंट्स कंपनी के साथ ताकि मेरा जो मसला है या जो मेरा फीडबैक है वो कम भी तक पहुँचे सी आर एम ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम है या ऐसे टूल्स मौजूद हैं ओपन सोर्स भी मौजूद हैं प्रोपराइटरी भी हैं जो किसी कस्टमर के साथ कंपनी का रिलेशनशिप जो पूरी जर्नी होती है जो रिलेशनशिप की जर्नी है विद बिटवीन कंपनी एंड कस्टमर उसको स्पेसिफिकली उसको मेंटेन करते हैं तो अगर कस्टमर ने कोई फीडबैक देना है अगर कस्टमर ने कोई कंप्लेंट करनी है अगर कस्टमर ने कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी है किसी और प्रोडक्ट के बारे में तो सी आर एम के थ्रू ये चीज़ अनेबल की जाती है इसका 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 मतलब ये है कि एक तरफ तो आप अपने किसी प्रोडक्ट का फीडबैक ले रहे हैं ताकि उसको आप इनहांस कर सकें फॉर एग्जाम्पल कुछ कंपनीज होती हैं वो रैंडमली सर्वेस कंडक्ट करती है यानी फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा किसी कंपनी से एंड प्रोडक्ट वॉज गुड कोई कंप्लेन आपने नहीं की कोई फीडबैक नहीं था एंड द प्रोडक्ट वॉज गुड अब उस कंपनी आपने तो कॉन्टैक्ट नहीं किया कंपनी को लेकिन कंपनी ने आपसे कॉन्टैक्ट किया टू हैव द फीडबैक अबाउट द प्रोडक्ट यू हैव रिसीव्ड और ये बड़ा कॉमन सी चीज़ है आजकल वो उसके दो तीन रीजन होते हैं एक रीज़न ये होते कि दे वॉन्ट टू कीप इन टच विद यू नंबर वन नंबर टू वो अपने नए प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करना चाहते हैं नए प्रोडक्ट की प्रमोशन भी करना चाहते हैं क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं वो सबसे ईजी मार्केट होता है किसी भी कंपनी के लिए टू लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट राधर देन यानी एक कंपनी बिल्कुल एक, एक को नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो उनके लिए जो सबसे ईजी टारगेट मार्केट है वो उनकी एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है वो ज़्यादा चांस है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स सबसे पहले नए प्रोडक्ट की तरफ आएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी कंपनी के लॉयल हैं कंपनी के ब्रांड यू नो उनको पता है कंपनी की सर्विस कैसी है उनको पता है कि कंपनी की रेप्यूट कैसी है एंड सो ऑन सो सीआरएम आर एम में सारी चीज़ें अनेबल करता है कि वो ना सिर्फ कस्टमर का फीडबैक कस्टमर की कंप्लेंट वगैरह हैंडल करता है वो टारगेटेड मैसेजेस या टारगेटेड कंपेन्स टू टू कीप ऑन जनरेटिंग द रिपीटिंग कस्टमर्स ये सी आर एम सारा कुछ होता है नंबर वन नंबर टू जिस तरह हमने फेसबुक में ये देखा था कि फेसबुक क्लिक इको के थ्रू फेसबुक के ऊपर जितनी भी यूज़र की जर्नी होती है या यूज़र के विजिट्स होते हैं वो स्टोर करता है बिल्कुल वैसे ही सी किसी फॉर एग्जांपल शॉपिंग कार्ड के साथ आ, हमने इंटीग्रेट किया हुआ है तो उस शॉपिंग कार्ट के ऊपर जो कस्टमर है उसने जो भी क्लिक्स किए हैं जो भी एक्टिविटी की है वो सारे की सारी हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं सी आर एम में ताकि हम उसका जो आ, जो परचेजिंग पैटर्न है जो परचेजिंग बिहेवियर है आपकी वेबसाइट पे ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट पे उसको ट्रैक कर सकें रीज़न ताकि हम उसको उसके बिहेवियर के हिसाब से प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकें यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने एक शॉपिंग कार्ट से ख़रीदी बुक्स हैं लेकिन मुझे जो टारगेटेड मैसेजिंग हो रही है या मुझे जो प्रमोशंस आ रही हैं वो फॉर एग्जांपल फुटबॉल की आ रही हैं तो ये सारी की सारी जर्नी बिल्कुल वैसे ही जैसे फेसबुक के ऊपर या आ, वाया क्लिक्स वो स्टोर कर रहे होते हैं बिल्कुल वैसे ही सी जो होते हैं उनके अंदर भी ये फैसिलिटी मौजूद होती है कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जो यूज़र की जर्नी है वो स्टोर कर सकें ताकि उसके बाद उनको हम आ, और टारगेटेड मार्केटिंग के ज़रिए रिपीट कस्टमर बना सके